पद्मश्री नंद सर को कोरोना कलिंग नगर टाटा कोविड हॉस्पिटल को स्थानांतरित वर्तमान स्वास्थ्यावस्था स्थिर अच्छी गतकाली हठात असुस्थ हो पड़ते नंद सर प्रथम जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा कोविड टेस्ट बेले रिपोर्ट पॉजिटिव कोविड हॉस्पिटल को स्थानांतर कर जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर टाटा चिकित्सालय में भेट स्वास्थ्यावस्था संपर्क में पचारि बुझिछन्ते परवर्ती खबर को सिपा दाना बांधुची बात्या ओडिशा पई आगको विपद आशंका आज दक्षिण आंडमान सागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिची जहां पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़को गति करी काली सुद्धा बंगोपसागर रे पहुंचिबो सेठारे क्रमे घनीभूत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम अर्थात ओडिशा आंध्र उपकूल आड़े मुहाइबो वर्तमान यहां गोपालपुर ठारु प्राय 2600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिगरे रहिची डिसेंबर 2 रे अवपात एवं 3 तारीख रे गंभीर अवपात रूप नेबो 3 राती किंबा 4 तारीख सकाळु बात्यारे परिणत होई पारे फळे 3 तारीख संध्यारु राज्य रे वर्षा आरंभ हेबो 4 तारीख सकाळु पुरी जगतसिंहपुर गंजाम नयागढ़ केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर कटक खोर्धा जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो सेपटे संभाव्य लघुचाप एवं वर्षा स्थिति को नहीं सतर्क होती राज्य सरकार 6 जिलार जिलापाल चिठी लिखिंट एसआरसी पानीपाग विभाग पक्ष वर्षा सूचना मिलितबारु अमल धान को सुरक्षित स्थान को नहीं जावाक चाषी को एसआरसी परामर्श देते तेज पानीपाग संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित निरुपमा बेहरा आम प्रतिनिधि आम सीधासख जोड़ी होती निरुपमा आज दक्षिण आंडमान सगर में सृष्टि होब लघुचाप बात्यार रूप नेबार आशंका रही जानवाक चाहिए कि वर्तमान कौन आकलन करणीपाग केन्द्र पक्ष निश्चित भाव में स्वागतिका जदियों पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर वर्तमान सुधा बात्या नहीं कौन विधिवत घोषणा कराई कि आकलन कराई किंतु यह स्पष्ट जे बात्या संभावना को एड़ाई दिया जाई न पारे आसंता 12 घंटे दक्षिण आंडमान सगर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होब आसंता काली सुधा बंगोपसगर में आसी पहुंचे अर्थात कहुच्च डिसेंबर 1 रे बंगोपसगर आसीब उक्त स्थान में यह धीरे धीरे घनीभूत होगा आरंभ कर 2 तारीख में घनीभूत हो अवपात और 3 तारीख में गभीर अवपात रूप जेतेबेले गोटे लघुचाप गभीर अवपात रूप नहीं थाए सेतेबेले मध्य यहाँ प्रभाव में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइथाय एवं जदि आम देखिबा 3 तारीख संध्या किंबा 4 तारीख सकाळु यहाँ बात्यार रूप नेबा नहीं मध्य संभावना वर्तमान सुधा रही पाणीपाग अनुकूल रही पाणीपाग विशेषज्ञ माने मध्य कहउचंती आज यहाँ उपर स्पष्ट हेबो जे जेतेबेले आईएमडी डीजी एने एक स्पष्टीकरण देबे जे यहाँ बात्यार रूप नेबो ना केवल गभीर अवपात होइ रहिबो किंतु वर्तमान सुधा पाणीपाग अनुकूल रही बात्या कराइबार एवं पाणीपाग विशेषज्ञ माने मध्य कहउचंती जे यहाँ बात्या होई पारे जदियो अधिक घनीभूत न होबो किंबा सिवियर साइक्लोन साइक्लोनिक स्टॉर्म न होई पारे किंतु यहाँ बात्या होबो एवं क्रमे पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को जेहेतु गति करुछि ओडिशा उपकूल एवं आंध्रप्रदेश उपकूल यह स्थलभाग छुईवा नहीं 4 तारीख में मध्य जहाँ वर्तमान सुधा आकलन करते लघुचाप सृष्टि यार गतिपथ स्पष्ट हो धीरे धीरे किंतु वर्तमान सुधा जहाँ खबर रही 3 तारीख रु सारा राज्य में पाणीपागर चित्र बदल जिते लघुचाप राज्य में प्रभाव यार पड़ताए जेहेतु घनीभूत होवपात और धीरे धीरे बात्यार रूप नेब तेणु निश्चिंत भाव में ओडिशा 3 तारीख रु वर्षा आरंभ हो विशेषकर उपकूल ओडिशा आम जदि कह पुरी जगत सिंहपुर गंजाम नयागढ़ केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर खटक एवं खोर्धा 3 तारीख रातिर 3 तारीख सन्धार पाग कोहला रहा राति वर्षा हो 4 तारीख सका प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं कहुच्छे जदिओ सीधा सड़क यह ओडिशा रे प्रभाव पड़ो कि नहीं ता तो परवर्त समय जनापड़ किंतु जदि यार प्रभाव जो बात्या आसू तार प्रभाव जदि सीधा सड़क राज्य में न पड़े तेज निश्चिंत भाव में सूचना कि संभाव्य बात्या को लेकिन आज गोटे स्पष्ट चित्र सामना को आसो जिते लघुचाप क्षेत्र सृष्टि पर बात्यार रूपरेख पूरापूरी स्पष्ट हो जो जिला गुड़िक कहे उपकूल जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो तेज पवन बेग किभि रिगरे किसी पाणीपाग विभाग पक्ष सूचना दीजिए कि वर्षा केत दिन धरी लगि रही है निश्चित भाव में प्रथम कथा कही रखुची 3 तारीख रु पाणीपाग बदल और 3 रु 5 तारीख पर्यंत राज्य में वर्षा लगि रिन दिन पर्यंत प्राय भल वर्षा हाब नहीं आकलन करदी यह बात्यार रूप निए तेज निश्चिंत भाव में वर्षा जहाँ पवन कथा कहुची पवन पखापाखि 65 रु 85 किलोमीटर बेगर बहब उपकूलवर्ती जिलागुड़ कारण जिते बात्याटी उपकूल उपकूल यह गति कर आंध्र आड़क मुहैब निश्चिंत भाव में राज्य यार प्रभाव देखा मिल 3 रु 5 तारीख पर्यंत अर्थात
निरुपमा ओडिशा उपरे बात्यार प्रभाव सेतेटा बेसी न पड़िले बे किंतु उपकूल ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो तास्त पवन रो वेग 65 रु 85 किलोमीटर रहिबो सेति पई देखबे कि मत्स्यजीवी को समुद्र रे जीवा को बारणा मध्य करा जाई छी। धन्यवाद निरुपमा आपनको तमाम सूचना पई।